ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने ट्विटर खरीदने के बाद एक ऐलान किया था कि मैं 45,589 लोगों को बैन कर रहा हूं, क्या मैं ऐसा करूं या ना करूं? तो ज्यादातर लोगों के जवाब आए कि आप इसको बैन ना करें और आप इस पद से हट जाएं। तो एलन मस्क ने दोबारा लिखा कि मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग जल्दबाजी में अपना जवाब दे रहे हैं, कृपया सोच समझ के अपना जवाब दें, फिर भी लोगों के नेगेटिव जवाब ही ज्यादा है। तो एलन मस्क ने बगैर सोचे समझे 45,589 लोगों को बैन कर दिया जो अश्लीलता को बढ़ावा देते थे। ऐसा करके एलन मस्क ने इंसानियत की एक मिसाल पेश की है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये मीडिया एप्स भी इस तरह का कदम उठाएं तो इससे पॉजिटिव कल्चर, पॉजिटिव समाज बनेगा। आज के दौर में जितने भी बलात्कार के केस होते हैं वो अश्लीलता के कारण ही होते हैं। चाहे कितनी ही आप रोकथाम कर लें क्राइम्स की, जब तक अश्लीलता पर बैन नहीं लगेगा, अश्लीलता पर प्रतिबंध नहीं लगेगा, तब तक ये हादसे होते ही रहेंगे। हादसों को सबसे बड़ी दावत अश्लीलता ही देती है और हादसों को जन्म, क्राइम को जन्म ही अश्लीलता ही देती है। जब तक अश्लीलता पर प्रतिबंध नहीं लगेगा तब तक बलात्कार के केस रुकना, बंद होना बहुत ही मुश्किल बात है।